Hello student, myself Bhagwat Singh, Team Physics, Sikkar, CLC. आज अपन एक नया टॉपिक के जी ओ 2019 और 2020 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट. ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्वेल्थ में से. इस टॉपिक में से लास्ट ईयर और इस साल मिलाकर कम से कम 35 क्वेश्चन है. एवरेज यूँ मान लो कि हर एक पेपर के अंदर एक दो क्वेश्चन होते हैं. तो ये अच्छा टॉपिक भी है, बट इसके साथ एक दिक्कत ये है कि ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है. मतलब आपको कैलकुलेशन बहुत ढंग से आनी चाहिए. यदि आप कैलकुलेशन लास्ट स्टेप तक कर सकते हो तभी आपको उसको प्रोसीड करना चाहिए. अदरवाइज यदि ईजी क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज आपको उस क्वेश्चन को लास्ट में करना चाहिए. ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप मेड ऑफ ए थिन वायर हैज एरिया. आपको एक लूप दे रखा है जिसका एरिया गिवन है, ये इसका एरिया है. एंड रेसिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन. इट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द टाइम डिपेंडिंग मैग्नेटिक फील्ड. एक मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम डिपेंडेंट है. तो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो गिवन है, दैट इज 0.4, वो आगे यूनिट लगी हुई है, साइन 50 पाई टी. ये आपको गिवन है टाइम डिपेंडेंट. द फील्ड इज यूनिफॉर्म इन द स्पेस, मतलब सब जगह जो फील्ड है वो इक्वल है किसी इंस्टेंट पर. देन द नेट चार्ज फ्लो थ्रू द लूप ड्यूरिंग, आपको टोटल चार्ज पहुंचा है 0 to 10 सेकेंड के अंदर. अब देखो बच्चों, इसमें आपको पता ही होगा चार्ज का फॉर्मूला, उसके लिए अपन को करंट वो होता है डी क्यू डिवाइड बाई डी टी. ठीक है, ये आपके पास पता ही है, दैट इज करंट का बेसिक फॉर्मूला है. नाउ जो आई होता है वो होता है इंड्यूस करंट डिवाइड बाय आर, और इंड्यूस करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी फाई बाई डी टी. यदि अपन इस दो इक्वेशन को यूज करें इसको, तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, आई कितना होता है, दैट इज डी क्यू बाई डी टी. यहाँ से अपन मिक्स उन दोनों को यूज करते हैं, ये आपके पास आ गया ई एम एफ डी फाई बाई डी टी. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डी फाई बाई डी टी, तो डी टी से डी टी कट जाएगा आर इंटू डी क्यू. बेसिकली अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, यदि आपको कभी भी चार्ज फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला याद करना. फाई इज को मतलब जो ये जो चार्ज है, जो टोटल चार्ज रहेगा, दैट इज चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई आर. तो बेसिकली अपन को ये देखना है कि फ्लक्स में कितना ओवरऑल चेंज हुआ. ठीक है, तो अच्छा फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, बी इंटू, जैसे फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए. तो यहां पर अपन इसका फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं. तो मैं रिमेनिंग चीज है वो यहां मिटा रहा हूं. ये अपना पास आ गया कि टोटल चार्ज है, चार्ज का फॉर्मूला ये है. ठीक है, तो ये अपने पास चार्ज का फॉर्मूला है, बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है. सो बेसिकली अपन को फाइंड क्या करना है अब, कि टोटल फ्लक्स कितना पास हुआ. तो फ्लक्स के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट फील्ड दे रखा है, तो फ्लक्स के लिए बी ए इंटू डी टी का इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन अपन को कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 to 10 सेकेंड के लिए, 0 to 10 माइक्रोसेकेंड के लिए. ठीक है, अब आपके पास जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये एक्चुअली क्वेश्चन जो था वो बोनस हुआ था. बोनस इसलिए हुआ था कि जब अपन इसको टोटल फाइंड करते हैं इसको सॉल्व करने के बाद, Q इज इक्वल टू ये जो अपने पास आ रहा है बी ए डी टी इंटीग्रेशन डिवाइड बाय ये जो आर रेसिस्टेंस कितना गिवन है, रेसिस्टेंस इज 10. जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इसका आंसर आता है 140. इसमें से एक भी गिवन नहीं है, 140 माइक्रोकूलम. ये इसका आंसर, सॉरी ये 140 मिलीकूलम. ये इसका आंसर आता है, बट इसके ऑप्शन में से एक भी गिवन नहीं था, तो इसलिए बोनस हो गया था. उस साल का ये बोनस क्वेश्चन था. तो बेसिकली अपन को ये जो यहाँ करना वो ये था
कि टोटल फ्लक्स फाइंड करना था, फ्लक्स के लिए आपको इंटीग्रेट करना था, टाइम लिमिट आपको गिवन है उसके लिए, और ये एक जो चार्ज का फॉर्मूला है वो आपको ये याद रखना है। तो इसी के हेल्प से अपन को किया है, हालांकि क्वेश्चन बाद में जाकर बोनस हो गया था क्योंकि क्वेश्चन ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो थी वो तो पूरी राइट थी बट ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अभी। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फिट्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट। ये आपका इनपुट वोल्ट है, तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, वी इनपुट दैट इज 2300 वोल्ट टू द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद द इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स। सो नंबर ऑफ टर्न्स जो इनिशियल है दैट इज प्राइमरी साइड में है दैट इज 4000। द आउटपुट पावर इज डिलीवर एट 230 वॉट। इसका मतलब वी आउट इज ऑल्सो गिवन, वी आउट है दैट इज 230 वॉट बाय द ट्रांसफार्मर। इफ द करंट इन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 5 एम्पियर, इट्स मीन आई इनपुट इज गिवन दैट इज 5 एम्पियर एंड इट्स इफिशियंसी 90%। देखो बच्चों, ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया कि इसमें आपको इफिशियंसी गिवन है और दैट इज ऑफ 90% दैट इज गिवन। द आउटपुट करंट वुड बी, आपको आउटपुट करंट पूछा है, इट्स मीन ई आउटसाइड पूछा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि इफिशियंसी के साथ में है। इफिशियंसी का मतलब है कि इनपुट का वो कितना परसेंट आउट लेकर जा रहा है। तो मैं यदि इसको लिखूँ तो ऐसे लिखूंगा, टोटल आउटपुट पावर, क्योंकि इफिशियंसी हमसे पावर से देखी जाती है, आउटपुट पावर इज इक्वल टू 90% ऑफ पी इनपुट, जितना इसका इनपुट था। ठीक है, पावर का फॉर्मूला आता है वी इंटू आई, तो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं 230 इंटू आई, जो अपन को फाइंड करना है, 9/10 पी आउट इनपुट कितना है, इनपुट के लिए अपन क्या करेंगे 2300 इंटू 5, तो आप इसको आप कैलकुलेट कर देखो, 230 से ये चला जाएगा, ये 10 से ये चला जाएगा, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा 45। तो दैट इज योर फर्स्ट आंसर, तो ये इसका आंसर हो गया। इफिशियंसी का एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये हमेशा, वैसे बहुत रेयरली आपको इफिशियंसी के बारे में कहीं बोला जाता है, बट इफिशियंसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इफिशियंसी के लिए आपको जब भी आए तो इस टाइप से इसको यूज करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वो अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड, अब देखते हैं थर्ड में क्या है। ए सीरीज एसी सर्किट, आपको एसी सर्किट दे रखा है सीरीज के अंदर, जिसमें इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेसिस्टर भी है। ओके, तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो अपन ड्रॉ कर देते हैं, कैपेसिटर भी गिवन है एंड रेसिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन एंड एसी सोर्स है, तो अपने ऐसे ये इसका सिंबल बना लिया एसी सोर्स का। इसका ये आपको जो गिवन होता है वो होता है आरएमएस वैल्यू, तो मैं लिख लेता हूँ एक बार 24, और इसकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज़, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। देखो, पहली बात तो आपको मैं बता देता हूँ, ये डेटा देखकर आपको लग जाना चाहिए कि अपना में एक डिफिकल्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट, एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन द 60 सेकेंड। ओके, तो आपको ये पूछा गया है कि 60 सेकेंड के अंदर टोटल एनर्जी कितनी लॉस होगी। अब पावर का अपन का जो फॉर्मूला होता है, जो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है वो शायद आपको पता ही होगा, दैट इज एसी को अपन कंपेयर कर सकते हैं, तो ये होता है ईआरएमएस स्क्वायर आर डिवाइड बाय जेड का स्क्वायर इन वन साइकिल, ये एक साइकिल के अंदर। तो पहली बात तो अपन को देखना पड़ेगा कि 60 सेकेंड के अंदर कितना हो गया, ये है इन वन साइकिल। ठीक है, तो टोटल के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो बहुत इजी है। तो अब उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं लिख लेता हूँ, ये जो जेड है ना,
ये आपको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा जोर आएगा, वो क्या होता है एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। आपको मैं इसको रब कर देता हूँ। अब बेसिकली आपको टोटल हीट पूछिए, तो हीट का फॉर्मूला जो आ जाएगा दैट इज पी एवरेज इनटू टी, और टी कितना रहेगा तो पी एवरेज अपने पास है ही, वो अभी फाइंड करेंगे अपन, तो एक बार मैं लिख लेता हूँ दैट इज पी एवरेज इनटू टाइम। टाइम क्योंकि वो वन साइकिल का है, एक सेकेंड में वो 50 साइकिल कंप्लीट करेगा, तो 50 इंटू 60, ठीक है। तो ये अपने जो है ओवरऑल फॉर्मूला आ गया। अब बात रही कैलकुलेशन की, तो बेटा कैलकुलेशन तो इसके अंदर टफ रहेगी, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है आर और जेड की टर्म में। यदि यहाँ पर ई नॉट होता तो यहाँ पर नीचे 2 आ जाता, बट मैंने ई आर एम एस लिखा बिकॉज आपको आर एम एस वैल्यू गिवन है। देखो तो ये 24 गिवन है, आपको रेसिस्टेंस गिवन है 60, ये चीज़ आपको इजी है, आपको जेड फाइंड करना है। तो जेड फाइंड करते ही आपको आंसर आ जाएगा, और जेड फाइंड करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो मैं एक बार इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, या फिर मैं एक बार यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। यू नो दैट ओमेगा एल क्या होता है, दैट इज एक्स एल दैट इज ओमेगा एल, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ इंटू एल। इसलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा कैलकुलेटिव है, अभी तो एक्स एल में कुछ भी नहीं है। जब आप एक्स से एक्सएल क्या है, दैट इज इफेक्टिव रेसिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर, तो यहाँ पर तो अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बट जब आप कैपेसिटर वाला पोर्शन फाइंड करोगे वो आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो दैट इज 2 पाई, एफ कितना है, एफ इज 50, एंड वॉट इज एल, एल इज गिवन इरा 20 माइक्रो, दैट 10^-3, ओके। तो इसको मैं यहाँ से एक बार मिटा देता हूँ, ये आपके पास आ गया -3। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अब देखो एक्स सी जो होता है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो होता है डिफिकल्ट इन द सेंस कैलकुलेटिव थोड़ा ज़्यादा होता है, दैट इज ओमेगा सी। अब यदि आप इसको कैलकुलेट करने गए तो आपको काफ़ी, इसको मैं लिखूँगा 2 पाई एफ, एफ 50 है कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, तो 2 पाई एफ, एफ इज 50, ये आगे 2, एंड सी, सी गिवन है 120, (10^6) ऊपर आ गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगी, तो अब रिमेनिंग पोर्शन तो आप कर लोगे। इन दोनों को आप जब कैलकुलेट करोगे, मैंने जो पावर का फॉर्मूला दिया वहाँ जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो जो इसका आंसर है आप सॉल्व करने पर इसका आंसर ये आएगा। देखो बेटा अपन को तो कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, आपको उनको मतलब है कि इसको क्वेश्चन को करना कैसे है। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कि करने का मेथड क्या है। कैलकुलेशन आपको ही करनी पड़ेगी, लॉजिक या उसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये मैंने एक्स सी करके बता दिया, ये एक्सएल करके बता दिया, फिर यहाँ से आपका जेड आ जाएगा। तो जेड आते हैं इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद, वो आंसर आएगा ये थर्ड वाला। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ए सॉलिड मेटल क्यूब ऑफ एज लेंथ 2 सेंटीमीटर इज मूविंग इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो पहले अपन एक क्यूब ड्रॉ कर देते हैं, बिकॉज उन्हें क्यूब ही बोला है। ये क्यूब ऐसे मूव कर रहा है बिकॉज वाई डायरेक्शन में, लेंथ गिवन है, विथ कॉन्स्टेंट स्पीड दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, देर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, दैट्स गुड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में, और वो आपको गिवन है दैट इज बी इक्वल टू 0.1 टेस्ला, दैट इज ऑल्सो गिवन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू फेस ऑफ द क्यूब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब देखो बेटा एक्स एक्सिस होती है, तो दो फेस मतलब कौन सा हो गया,
आपको जो पूछा गया है वो पूछा गया है इसके और इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब उसके लिए अपन को क्या करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो इक्विपोटेंशियल रहेगी। जैसे मैं बोलूं, सपोज मैं ये वाली एक लेयर लेता हूं, तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा, बिकॉज ये पूरा का पूरा लेयर है वो वेलोसिटी के पैरेलल में जा रही है। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में ही जनरेट होगा। तो क्यूब दे देते दे, चाहे एक छोटी सी रॉड दे देते दे, बात एक ही है। ये बात समझना, इस पूरी सरफेस पर सेम पोटेंशियल रहेगा, इस वाली पर सेम पोटेंशियल रहेगा, बिकॉज ये पूरी की पूरी लेयर वेलोसिटी के डायरेक्शन में मूव हो रही है। यदि वेलोसिटी के डायरेक्शन में होती है तो उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होता है। तो या फिर अपने पास सीधा सीधा फॉर्मूला, अपन अपन को बताइए, ई का फॉर्मूला होता है बी वी एल, बी का वैल्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है, बी इज 0.1, वेलोसिटी इज गिवन 6 मीटर पर सेकेंड, एंड लेंथ इज ऑल्सो गिवन, लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻³, टू। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो अपने पास आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था, ये आपको शायद फॉर्मूला पता ही होगा, EMF के लिए BVL होता है, तो इससे अपना ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलते हैं अपन आगे, क्वेश्चन नंबर 5th। ए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द EMF ऑफ द कॉइल इज, सॉरी, इफ सेल्फ इंड्यूस EMF ऑफ द कॉइल, मतलब जो इंड्यूस वोल्टेज है वो आपको गिवन है, EMF इज गिवन, दैट इज 25। व्हेन द करंट इन द इट चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम, करंट जो है 10 एम्पियर टू 25 एम्पियर एक सेकेंड में होता है, द चेंज इन द एनर्जी ऑफ द इंडक्टेंस, आपको बोला है कि एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो पहली बात तो सेल्फ इंडक्टर की जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एल आई स्क्वायर, आपको पूछा है डी यू, और वैसे भी मैग्नीट्यूड पूछा है तो इट डजेंट मैटर कि आप क्या पहले लिखते हो क्या बाद में, एल बाई टू, एल करंट बाद में कितना है 25 का स्क्वायर माइनस इनिशियली कितना है 10, इट इज 10 का स्क्वायर। तो बेटा बस बात इतनी सी रहेगी कि मुझे एल पता होना चाहिए, यदि अपने पास एल आ गया तो ये आंसर इसका है इजीली आ जाएगा। अब एल कैसे फाइंड करना है वो आपको इस इंफॉर्मेशन से फाइंड करना है, EMF का फॉर्मूला होता है एल डी आई बाई डी टी, यदि मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूँ तो। अब यहाँ पर मैं इसका यूज कर लेता हूँ, ये कितना है 25 एल, करंट कितना चेंज हुआ है 15, कितने सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये अपने पास एल आ गया, जब आप इस एल और इसको जो आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 437.5। वही बात है वापस, ऑलमोस्ट अपने क्वेश्चन कर ही लिया, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करते इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा है ये, एक एनर्जी का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है क्योंकि इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट, इन द सर्किट शोन द स्विच S1, ये दो सर्किट S1 एंड S2 इज क्लोज एट टाइम T0, इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, T=0 पर। अब देखो, अब क्वेश्चन आगे जो भी है इतना है, इसका मतलब ये LR सर्किट बन गया। ठीक है, LR सर्किट के चार्जिंग और डिचार्जिंग की इक्वेशन आपको शायद पता ही होगी, चार्जिंग की इक्वेशन होती है एट टाइम ऑफ चार्जिंग, मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूँ दैट इज E0 / R1 - E - T/2। ठीक है, ये आपको इक्वेशन शायद पता ही होगी, तो ये चार्जिंग की इक्वेशन है। अब आप जब इसको चार्ज करोगे तो पहले चार्ज हो रहा है, अब उसको बाद में पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद है एट सम लेटर टाइम T0, किसी टाइम के बाद द स्विच S1 इज ओपन, इसको तो कर लेते ओपन, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, और इसको कर लेते हैं क्लोज्ड, द
द बिहेवियर ऑफ द करंट आई एज फंक्शन ऑफ टी. ओके, तो बेसिकली आपको इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इसमें फंक्शन जो है करंट का जो टाइम के साथ वेरी करेगा. तो चार्जिंग की इक्वेशन ये है, और बेटा ये जो इक्वेशन होती है वो ऐसे होती है, ये जो इक्वेशन है वो इस टाइप से होती है, और एक आपको शायद पता होगा स्टडी स्टेट में जाकर ये ऐसा हो जाता है. बट इन्होंने क्या कर दिया है कि किसी इंस्टेंट पर उसको ओपन और क्लोज कर दिया है, तो ये एक बीच में जाकर ये स्टॉप हो जाएगा, मतलब उसके बाद चार्जिंग होना बंद हो जाएगा. डी चार्जिंग की इक्वेशन होती है वो शायद आपको पता ही है, ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर ए की पावर माइनस टी बाई टू. ये जो करंट होता है ये यूजली तो जब टोटल चार्ज हो गया वो होता है, बट एक्चुअली ये करंट जो ये जो मैंने लिखा है इसमें जो लिखते हैं वो होता है आई नॉट, मतलब वो जहाँ से डिचार्ज होना स्टार्ट होती है इक्वेशन जो डिचार्ज होना स्टार्ट होता है, सो दैट इज आई नॉट. अब और उसका जो ग्राफ होता है, इसका ग्राफ होता है इस टाइप से. अब ऐसा ग्राफ अपन को देखना है जो उसमें दोनों चीज कंबाइंड हो, मतलब पहले चार्जिंग हो इस टाइप से और फिर डिस्चार्जिंग हो इस टाइप से, क्योंकि दोनों जो है इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन जो है वो उस टाइप से रहेगी, एक स्टेप से इंक्रीज होती हुई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन रहेगी, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. अब यदि इन चार ऑप्शन में से यदि मैं देखूँ तो बेटा देखो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी एग्जैक्ट तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अपन इस ग्राफ को यदि थोड़ा सा स्टेप से समझ लें कि ये स्टेप से ये चार्ज हुआ है उसके बाद डिस्चार्ज हो गया, तो ये अपन उस फोर्थ वाले ग्राफ को अपन एक्यूरेटली मान सकते हैं. तो इसका ऑप्शन जो है वो मोस्ट जो करेक्ट है वो फोर्थ है. फोर्थ भी एग्जैक्टली तो नहीं है बट मोस्ट जो अपन बोल सकते हैं दैट इज योर फोर्थ. ठीक है, तो इस अपन को फोर्थ को अपन कंप्लीट करते हैं. अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मतलब ऑप्शन फोर्थ हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ, देयर इज टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड ऑफ सेम लेंथ एल, दोनों की लेंथ इक्वल है. द इनर एंड आउटर कॉयल हैव रेडियाई आर वन एंड आर टू, तो अब मुझे ड्रॉ करना ही पड़ेगा. दूसरा और ड्रॉ कर देता हूं, सेम लेंथ का है बट ठीक है. अब आपको गिवन क्या है, इनर का रेडियस है आर वन, मतलब जो ब्लैक में है उसकी रेडियस है आर वन, और जो आउटर है ये जो रेड रेड वाला है इसकी रेडियस है आर टू जो कि आउटर है. ठीक है, वन मोर थिंग, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एन वन एंड एन टू होगी वापस बात, ये जो इनसाइड है उसका जो नंबर ऑफ टर्न है वो है एन वन दैट इज पर यूनिट लेंथ, एंड जो रेड कलर का है या जो आउटर है मैंने जो रेड में ड्रॉ किया है उसका है एन टू. लेंथ इक्वल है, लेंथ में दोनों के लिए एल लिख लेता हूँ. नाउ द रेशियो ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इनर, तो पहले अपन क्या करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइन कर लेते हैं. म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अपन को पहले फ्लक्स देखना होता है कि फ्लक्स कितना है उसमें से जा रहा है किसके इनसाइड में से. तो अब देखना जो फ्लक्स है अपन फॉर्मूला जो होता है वो होता है बी एन ए, इसमें क्या क्या चीज़ होती है आपको ध्यान रखना है. बी होता है आउटर साइड का, क्योंकि आउटर वाले का इनसाइड में अपन को मैग्नेटिक फील्ड जो होता है पता होता है. सो आई एम राइटिंग म्यू नॉट, आउटर कौन सा एन टू, एन टू इन टू उसमें से जो करंट जा रहा है वो आई, ये होता है एन वन एंड पाई इनसाइड वाले का कितना है आर वन का स्क्वायर. यहाँ से अपन यदि डी फाइव बाई डी टी करें, क्योंकि जो ईएमएफ होता है वो होता है डी सॉरी ईएमएफ को लिख सकते हैं अपन एम डी आई बाई डी टी, और क्या लिख सकते हैं डी फाइव बाई डी टी. अब आप यदि यहाँ से कंपेरिजन करते हैं दोनों का इक्वेशन का, तो अपने पास M का जो वैल्यू आ रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है म्यू नॉट,
सॉरी, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न होता है, तो ये एन वन और इसको एल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी है. तो ये हो गया म्यू नॉट एन वन एन टू, दोनों मल्टीप्लाई हो गया पाई आर आर वन स्क्वायर इंटू एल, दैट इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार, सो दैट कभी ढंग से याद रहे. एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन वन एन टू पाई आर वन का स्क्वायर इंटू एल, ये तो हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस. और सेल्फ इंडक्टेंस आपको इनर वाले का पूछा है, तो देखो सिंपल सा इतना सा फर्क होता है सेल्फ इंडक्टेंस, यदि आपको फाइंड करना है तो उसके लिए एल अंदर वाले का फाइंड करना है, इसलिए म्यू नॉट ये हो जाएगा, अंदर वाले का है एन वन, तो ये हो जाएगा एन वन का स्क्वायर पाई, अंदर वाले का ही है स्क्वायर एल, ये फॉर्मूला है. अब आप इन दोनों को यदि सॉल्व करते हैं एम डिवाइड बाई एल, तो देखो बेटा कुछ नहीं बचेगा, यहाँ तो बचेगा एन टू, यहाँ बचेगा एन वन, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो जो इसका जो आंसर है, इसका आंसर अपना हो गया थर्ड वाला, ये एन टू डिवाइड बाई एन वन. देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ईजी है एक दूसरे के फाइंड करना. आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद ये रखनी है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस में किसका मैग्नेटिक फील्ड है. तो देखो आप यदि आउटर वाले को लेते हो मैग्नेटिक फील्ड, मैं वापस एक बार आपको समझा देता हूँ कि अपन को आउटर वाले को क्यों लेना है, उसका रीजन है. ये जो आउटर वाला है उसका इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड अपन को पता होता है, बाहर नेग्लिजिबल होता है बट होता है. तो वो अपने लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि यदि मैंने इसका मैग्नेटिक फील्ड ले लिया तो फ्लक्स इस बाहर वाले से यदि जाएगा तो मुझे यहाँ का भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. तो इसलिए क्या करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटर वाले का लेते हैं और एरिया इनसाइड वाले का लेते हैं. ये मेथड है करने का. वैसे आपको शायद पता ही है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस आप कैसे फाइंड करो, आंसर तो वो का वो आएगा, लेकिन डिफिकल्टी लेवल उसमें ज़्यादा होती है, इसलिए अपन इसके अंदर यूजली इस वाले को लेते हैं. ठीक है, तो ये हो गया अपना सेवंथ क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एट. क्वेश्चन नंबर एट क्या है देख लो पहले. ए कॉपर वायर इज वाउंड ऑन द वुडन फ्रेम हुज शेप इज दैट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब एक इस टाइप से है. इफ द लीनियर डायमेंशन ऑफ इच साइड ऑफ द फ्रेम इज इंक्रीज बाय फैक्टर थ्री, ये बोलना चाह रहे हैं कि सपोज इसका लेंथ एल है और अब इसकी लेंथ थ्री एल कर दी. कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉयल पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्रेम द सेम, देन द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉयल विल बी. तो आपको पूछा गया है कि इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है वो कितनी रहेगी. तो फिर वो का वो ये है, सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो जो है वो क्या है, म्यू नॉट, अभी जस्ट आपने किया था एन स्क्वायर, अरे म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, ये उसकी टोटल लेंथ है. तो ये सिंपल सा, अच्छा आप बोलोगे कि कैसा आया, तो बेसिकली है क्या, आपको इसके ऊपर ऐसा कर रखा है, तो एक तरफ से क्या हो गया, सोलेनोइड हो गया. तो सोलेनोइड का ही पूछा है कि नंबर ऑफ टर्न, तो उसने वो का भी रखा है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया. तो यदि इसकी लेंथ यदि थ्री है तो अब इसकी कितनी होगी, थ्री टाइम करने से नाइन है. तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. तो यदि उसको थ्री टाइम किया तो इसको थ्री टाइम किया. देखो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, इन्होंने क्वेश्चन को क्या कैसे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है कि एक जो फ्रेम है उसके ऊपर वो किया है, सो दैट की अपन ये वाउंड किया है. ठीक है, हिलका मतलब लपेटा गया है, जो वाउंडिंग किया हुआ है तो इस टाइप से है. तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये तो सोलेनोइड ही है, और सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला जस्ट अभी अपन निकाला था, मैंने यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिया था, बट वो तो उन्होंने चेंज किया ही नहीं है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एरिया ले लिया. ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर जो एट है वो हो गया. ये आपको समझ में शायद आगे होगा कि इन्होंने सिर्फ आपको घुमाने की कोशिश की है.
अच्छा ये ट्रायंगल क्या, यदि किसी और पर भी होता तो आंसर वो का भी होता। सपोज क्वेश्चन ये बोल जाए कि एक स्क्वायर है और उसके ऊपर राउंडिंग क्या है, तो भी क्या है, वो का वही है, क्योंकि फाइनली वो क्या रहा है तो वही सेल्फ इंडक्टेंस, सोलेनोइड है। तो यदि सोलेनोइड है, सोलेनोइड का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया, चलते हैं नेक्स्ट। ओके, इन द फिगर शोन ए सर्किट कंटेन टू आइडेंटिकल रेसिस्टर, ये दो रेसिस्टर है, एक ये वाला और एक ये वाला, 5 ओम एंड द इंडक्टेंस विथ आपको L दे रखा है। एन आइडियल बैटरी ऑफ 15 वोल्ट इज कनेक्टेड थ्रू द बैटरी लॉन्ग आफ्टर द स्विच इज क्लोज, ये बोला है कि इसको यदि लंबे देर तक रखते हैं तो करंट कितना होगा। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, जब लॉन्ग टाइम रखते हो तो इट बिहेव लाइक ए स्ट्रेट वायर, मतलब ये कोई अपोज नहीं करता, करंट सीधा साधा जाता है। तो ये दोनों हो गया पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट जो है वो कितना आ जाएगा, दैट इज योर आर बाई टू। तो करंट का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 15 R/2। तो आप इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करते इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 6 एम्पियर। तो ये तो एकदम ईजी क्वेश्चन था, तो इसको अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 मीटर लॉन्ग हॉरिजेंटल वायर एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, मतलब ये जो पोजीशन है, सपोज ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो कहाँ पर रखा है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो वायर ऐसे है, बट जो भी है इट इज़ इन हॉरिजेंटल लाइन पोजिशन, मतलब स्ट्रेट नीचे नहीं है, हॉरिजेंटल पोजिशन पर है। इट इज़ फॉलिंग, इसका मतलब ये वायर है ऐसे और इसकी वेलोसिटी ऐसे, एट द राइट एंगल टू द ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। अब ये भी उन्होंने बोल दिया कि ओरिजिनल कंपोनेंट के ये परपेंडिकुलर गिर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन वायर इज, तो ये तो एकदम इजी हो गया, दैट इज बी वी एल, बी आपको गिवन है, कहाँ गिवन है, ये रहा 0.3 10^-4, V है 5, एंड what इज L, L इज 10 मीटर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया 15 10^-4। ओके, तो ये आ गया इसका 1.5 × 10^-3, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन हो गया इसका थर्ड। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। इन द अबव सर्किट कैपेसिटेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, मतलब इसका वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू गिवन है, आर वन एल सब कुछ गिवन है। द वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स इज गिवन बाय, दैट इज योर वोल्टेज, और इससे आपके पास ये ओमेगा आ गया, क्योंकि आपको पता है ओमेगा रिक्वायर्ड होता ही है। द फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2, ये जो करंट I1 और I2 है इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो ये है पहले RC सर्किट, तो पहले मैं इनका बता देता हूँ, RC सर्किट में फेज कितना है, फिर उसका फेज कितना है, फिर अपन को फेज डिफरेंस पता चल जाएगा। तो फर्स्ट में I1 के लिए, यदि लेट में एज्यूम करता हूँ कि I2 जो है वो ऐसे है, तो जो रेसिस्टेंस में वोल्टेज रहेगा वो इसके साथ में रहेगा, सेम फेज में रहेगा, तो दैट इज योर VR। एंड कैपेसिटर के अंदर देखो, तो इन दोनों के अंदर I2 है, I2 तो सेम रहेगा, तो इन कैपेसिटर के अंदर करंट आगे रहता है, इसका मतलब वोल्टेज पीछे रहता है, तो ये आपके पास जो आ गया दैट इज योर VC। तो इनका जो आएगा नेट वो इससे आएगा, एंड लेट दैट इज योर एंगल अल्फा। ठीक है, तो मैं अल्फा फाइंड कर लेता हूँ, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या है, VC परपेंडिकुलर डिवाइड बाय दैट इज योर VR, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा XC डिवाइड बाय R।
ठीक है, ये आपके पास आ गया एक्स सी, और अब इसको अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स सी का वैल्यू कितना होता है, दैट इज ओमेगा सी इंटू आर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो बेटा ओमेगा कितना गिवन है, 100, सी सी ए रूट थ्री बाई टू, तो रूट थ्री बाई टू ऊपर चला जाएगा, और वो माइक्रो में, तो माइक्रो में जाकर ऊपर हो जाएगा 10^6, और जो आर है, आर कौन सा है यहाँ पर, आर टू इज 20, ठीक है। अब आप यदि इसको ढंग से देखो तो आपके पास जो अल्फा है वो काफ़ी बड़ा आ रहा है, मतलब टेन अल्फा का वैल्यू काफ़ी बड़ा है, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये इसको 10 कर देगा 100 हो जाएगा, तो ये आ रहा है 10^3, 10 अल्फा का वैल्यू आ रहा है 10 अल्फा इक्वल टू 10^3 डिवाइड बाय रूट थ्री, तो ये काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो आई कैन से दैट अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये तो आ गया कि अल्फा है वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब अपन फाइंड करते हैं इसके लिए, सेकंड वाले के लिए, तो ये अल्फा फाइंड कर लिया मैं, अब इसको वापस मिटा रहा हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि जो अल्फा है वो डाउनवर्ड आया है, ठीक है। अब अपन देखते हैं सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए आपको पता है कि यदि वी आर ऐसे रहेगा तो वी एल इस साइड रहेगा, तो ये एंगल आएगा बीटा। तो एक बात तो यहीं से ही क्वेश्चन अपना राइट ऑप्शन आ जाना चाहिए कि इसका जो है बोनस है लिखा हुआ भी बोनस, बिकॉज 90 प्लस बीटा करेंगे तो 90 से ऊपर ही आएगा, जबकि अपने ऊपर ऑप्शन गिवन है 90, 60, 30 और 0, इसका मतलब ये वैसे भी बोनस हो गया है। बट अपन फाइंड कर लेते हैं 10 जो बीटा रहेगा, 10 बीटा रहेगा वो रहेगा ओमेगा एल डिवाइड बाय ओमेगा, सॉरी दैट इज ओमेगा एल डिवाइड बाय आर। अब ओमेगा एल कितना है, 100, एल एल कितना है, एल इज रूट थ्री बाई 10, और आर का वैल्यू भी कितना है 10, तो अपने पास जो बीटा है वो आ गया 60 डिग्री। तो बेसिकली अपना जो आंसर आना चाहिए था, डिफरेंस पूछा है वो आना चाहिए था 90। देखो ऐसा है ना, आप सबको सिर्फ 90 और 60 नहीं देखना, आपको ये देखना है कि ये तो आया ऐसे और ये आया ऐसे, जो अल्फा आया वो तो डायरेक्ट नीचे आया है, ये ऐसे है, ये है 90 डिग्री, तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 90 प्लस 60 दैट इज 150। तो आंसर क्या होना चाहिए था, 150, जो अपने ऑप्शन में गिवन नहीं है, इसलिए क्वेश्चन हो गया बोनस, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए 20 हेनरी इंडक्टर कॉयल इज कनेक्टेड टू ए 10 ओम रेसिस्टेंस इन सीरीज एज शोन इन द फिगर, द टाइम एट विच द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी अक्रॉस रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेट एट विच द मैग्नेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर। सिंपल सा क्वेश्चन है, और आपको ये पूछा है कि इसमें जिस रेट से एनर्जी लॉस हो रही है, तो उसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, इसमें जिस रेट से स्टोर हो रही है, तो वैसे तो आपको पता होना चाहिए पावर इंटू वी इंटू आई होना चाहिए, बट यदि आपको नहीं पता है तो आप ऐसा लिख सकते हो, वैसे तो ये होता है वी इंटू आई, जिस रेट से स्टोर हो रही है, वी होता है एल डी आई बाई डी टी इंटू आई, ठीक है। यदि इसमें आपको कन्फ्यूजन हो तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर डी यू बाई डी टी, जब करोगे तो आपको वापस वो कवर मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि किस टाइम पर आई स्क्वायर आर इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी इंटू आई, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये मैं रब कर देता हूँ, इस आई से ये आ गया, ठीक है। तो अपने पास आ गया कि अब मैं आई का इक्वेशन लिख लेता हूँ, आई होता है ई डिवाइड बाई आर 1 माइनस ई माइनस टी बाई टू, ठीक है। अब इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, बिकॉज एक साइड अपन को क्या चाहिए, डी बाई डी टी, जब अपन डी बाई डी टी करेंगे ये आ जाएगा ई बाई आर, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो
तो प्लस 1/2 ए की पावर माइनस टी बाई टू, ठीक है, ये अपने पास आ गया डी बाई डी टी। इसी में अपन सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है। तो अपने पास फाइनली क्या आ गया कि किस इंस्टेंट पर आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है। अब देखो अपने पास आर का वैल्यू पता है, ये है आर का वैल्यू, आर इज इक्वल टू 10 एंड जो एल है दैट इज 20। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पर सो दैट कि अपन इसको इजीली कर सकें। इक्वेशन अपने यहाँ पर सारी लिख रखी है, इसी का मुझे यूज करना था, तो अब अपन इसका वैल्यू यूज करते हैं आई। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आई का वैल्यू कितना है, ई डिवाइड बाई आर 1 ई माइनस टी बाई टो। टो का वैल्यू अपन को पता है, टो इज एल बाई आर, तो दैट इज टो 2, तो ये आ गया 2 इक्वल टू, ये क्या मैंने कौन सा अभी लिखा है, आई आर इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पर एल, ये तो मैंने क्या लिखा, आई आर लिखना बाकी, सॉरी, इन टू आर इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो एल, नाउ व्हाट इज डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी इज ई डिवाइड बाई आर 1 अपॉन टू ई माइनस टी बाई टू। तो ई आर से ये ई आर गया, ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने 1 माइनस ई माइनस टी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू एल बाई आर इंटू ई माइनस टी बाई टू डिवाइड बाई टू। ये भी 2 है, ये भी 2 है, इस 2 से ये 2 हो गया, तो अपने पास ये आ गया 1 इक्वल टू ई माइनस टी बाई टू, उसका वैल्यू आपके पास पता है 2 है। तो अब इसको अपन यू साइड आकर 2 हो गया, क्योंकि ये माइनस माइनस, तो ये अपने पास 2 हो गया। अब इसको आप मिटा देते हैं, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू 1 ई टी बाई टू। तो यहाँ से आ गया ई टी बाई टू इज इक्वल टू 2, टी बाई टू इज इक्वल टू एल एन 2, ठीक है। तो अब अपन ऑप्शन मैच कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी मैं सब मिटा देता हूँ, एक ई वाला रखता हूँ लास्ट, जो अपना आंसर आया वो देखते हैं क्या आंसर है अपना उसमें से। तो ये आ गया, तो ओके, ये अब इसका सेकंड आंसर आ गया, तो ये वाला क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 13, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ए थिन स्ट्रिप 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ऑन यू शेप्ड वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है इसका के, के आपको गिवन है, के इज 0.5। द असेंबली इज केप्ट इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी का वैल्यू गिवन है 0.1। द स्ट्रिप इज पुल्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड रिलीज, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज परफॉर्म बिफोर इट एम्पलीट्यूड डिक्रीज बाय फैक्टर एन। इफ द मास ऑफ द स्ट्रिप इज 50 ग्राम, एम आपको गिवन है, एम इज 50 ग्राम, एंड रेसिस्टेंस जो है दैट इज 10 ओम, काफ़ी इंफॉर्मेशन है इसमें, एन विल बी क्लोज टू फैक्टर ऑफ ई इज एन, ठीक है, कि जो एम्पलीट्यूड है वो किस टाइम में जो है दैट इज ए नॉट बाई ई हो जाता है, तो उस समय वो एन फाइंड करना है कि उसने कितने बार वो कर लिया है ऑसिलेशन, कितने कंप्लीट कर लिए। तो ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए आपको एक तो टोटल टाइम फाइंड करना पड़ेगा और एक टाइम पीरियड फाइंड करना पड़ेगा। क्या है अपन, एन क्या होगा, एन इज इक्वल टू टी बाई टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, ये अपन को ओवरऑल फाइंड करना है। अब पहली बात तो
इस क्वेश्चन में आपको जो करना है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का एग्जांपल है, साफ साफ दिख रहा है इट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। और आपको पता होगा कि ए का वैल्यू होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन के अंदर, दैट इज ए नॉट ई माइनस बी डिवाइड बाय 2mt। ये शायद आपको इक्वेशन एक पता होगी। तो बेसिकली इसके अंदर अपन को ये फाइंड करना है कि जो बी है वो क्या है, वो फाइंड करना है, उसके बाद अपने पास क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाएगा। तो अपन चलो इसका डायग्राम बनाते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने पास गिवन है ही, अपन को पूरा सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने साइड में लिख दी है वो मेरे लिखना जरूरी था, मैं एक बार साइड में लिख लेता हूँ। के का वैल्यू है 0.5 एंड बी का जो वैल्यू है वो है 0.1। आपको नंबर ऑफ टर्न पूछा है, एन इज दैट इज टी बाई टोटल टाइम ऑफ पीरियड पूछा है। तो चलो अपन इस इक्वेशन में कंपैरिजन कर लेते हैं कि बेसिकली है क्या। अब देखो सीधी बात यह है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि इसको किसी पॉइंट से रिलीज करता हूँ तो एक तो ये स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ये आपके पास स्ट्रिप है ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर करंट जाएगा क्योंकि उसके ऊपर जो रखा हुआ है यू शेप पर रखा हुआ है। तो बेसिकली अपने पास यहाँ पर दो चीज़ आएगी, एक यहाँ पर के एक्स ठीक है, एक इसको अपोज करने के लिए बी आई एल, ये दोनों फोर्स लगेंगे। किसी इंस्टेंट पर आई का वैल्यू रहेगा दैट इज बी वी एल डिवाइड बाई आर ठीक है। तो ये हो गया अपना ऊपर फोर्स, इसको अपन को कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा जो अपना इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग। कौन सी इक्वेशन वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम ए का जो वैल्यू आएगा वो आएगा के एक्स माइनस बी आई एल, और यदि अपन वेक्टर टर्म में लिखे हैं डायरेक्शन के टर्म में लिखे हैं, यदि एक्स को मैंने इस साइड में डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो इसको भी मैं माइनस लिख लेता हूँ, दैट इज एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स बी आई एल। एम ए जो अपने पास आ गया वो आ गया माइनस के एक्स माइनस बी आई, आई रहेगा बी वी एल डिवाइड बाई आर इंटू एल। तो ये अपने पास आ गया एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर इंटू वी। और अपनी जो डैम्प्ड ऑसिलेशन की इक्वेशन होती है वो भी ऐसी होती है, एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि बी का वैल्यू है, तो डैम्पिंग कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू कितना है, तो अपने पास बी का वैल्यू आ गया बी, यदि अपन कंपैरिजन करते हैं एंड दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइड बाई आर ठीक है, ये अपने पास आ गया। तो ये मैंने सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए लिया था, यदि आपको डायरेक्ट इक्वेशन याद नहीं है तो वैसे भी आपको पता है जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है वो डैम्पिंग कांस्टेंट होता है बी। अब अपन अपने पास आते हैं, अपना जो क्वेश्चन है वहाँ ये मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, डेटा अपने पास सब गिवन है उसका अपन यूज़ कर लेंगे। देखो अब क्या है, आपको पूछा है कि जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बेसिक क्या होता है, दैट इज ए नॉट ई माइनस बी डिवाइड बाय 2mt, ये शायद आपको पता ही होगा। उस b का वैल्यू मैं अभी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पर। आपको बोला है कि जो a है वो हो जाता है a नॉट बाई ई, तो उस समय ये जो है b डिवाइड बाय 2mt कब होगा, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 2mt का वैल्यू किसके बराबर 1 के ठीक है। अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, देखो t कितना आएगा, t के लिए 2m डिवाइड बाय b। अब आपको यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपको वैल्यू जो है यहाँ पर सॉल्व करनी है, तो अपन सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं 2m, m गिवन है 50 ग्राम, 50 ग्राम 10^-3 एंड b, व्हाट इज b, b जो है वो है आपके पास जो डैम्पिंग कांस्टेंट है दैट इज बी स्क्वायर, तो दैट इज 0.1 स्क्वायर एल स्क्वायर, एल है लेंथ के लिए, मुझे वापस क्वेश्चन बैक जाना पड़ेगा एक मिनट, हम देख लेते हैं लेंथ कितनी की बने,
लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर एंड आर ऊपर चला जाएगा, आर इज 10, ठीक है। तो यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ढंग से करनी है, ये टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का जो फॉर्मूला है वो अपन को सिर्फ ब्लू पुट करना है। तो ये आ गया आपके पास, अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो गया 100, कौन सा ये, उसको भी ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 10 to the power -3, ओके, डिवाइडेड बाय ये आ गया, इसको मैं 10 to the power -1 लिखता हूँ, तो ये हो गया 10 to the power -2, और ये भी कितना है 10 to the power -1, तो 10 to the power -2, तो ये हो गया 10 to the power, ये तो वैसे कैंसिल आउट हो गए, तो 10 to the power 4, ये हो गया 10,000। तो आपके पास जो टी आ गया, इनको सबको सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो आ गया अपने पास, वो अपने पास आ गया टोटल टी, टी इज 10,000, ये टी आया है, ठीक है। अब अपन को नंबर ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करने थे, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है वो कितना होता है, अपन को टी फाइंड करना है। अब टी के लिए आपको डैम्पिंग ऑसिलेशन के अंदर आपके पास ओमेगा होता है, उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू जो होता है वो आपको पता ही है, रूट ऑफ क्या होता है, के डिवाइड बाय एम माइनस बी डिवाइड बाय 2m का स्क्वायर, ठीक है। बी डिवाइड बाय 2m मतलब इसका, ये जो अपने अभी टी फाइंड किया इसका उल्टा। अब देखो, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अपने पास ये जो टी होता है वो क्या होता है, 2m बाय बी, तो 1 अपॉन जो टी है वो किसके बराबर रहेगा, वो रहेगा बी डिवाइड बाय 2m। तो ये अपने फाइंड कर दिया, ये इसका, तो ये आ गया 10 to the power -4, ये बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब ये के एम के बराबर रहेगा। के और एम के बारे में आपको पता ही है, तो मैं के का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, के है 0.5 एंड एम है 50 ग्राम का 1000 में यहाँ लेकर चला गया 1000, तो ये कितना हो गया 500 divided by 50, दैट इज योर रूट 10, ठीक है। ये आ गया आपके पास ओमेगा। अपन को चाहिए कैपिटल टी, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। टी क्या होता है, 2π/ω, नो दैट इज 2π, ओमेगा कितना है रूट 10, आपको शायद पता होगा कि ये हो गया 3.14 और ये भी होता है ऑलमोस्ट 3.14, तो ये आ गया 2, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ टर्न जो आ गए दैट इज 10,000, ये एक अच्छा क्वेश्चन था और इसलिए मैंने इसको ये आ गया दैट इज योर 5,000, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ओके। तो ये अपना जो क्वेश्चन नंबर था वो 13 ओवर, और इसके यदि ऑप्शन में जाएं तो 5,000 देख लो कौन सा ऑप्शन है, 5,000 है, हाँ ये फर्स्ट ऑप्शन ही है, इसका जो फर्स्ट आंसर आ गया 5,000, ओके, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अल्टरनेटिव वोल्टेज, वोल्टेज इज गिवन दैट इज 200 sin 100 π/T इज अप्लाइड टू द प्योरली रेसिस्टिव लोड ऑफ द 50 ओम, इसका मतलब जो करंट की इक्वेशन आएगी वो भी ऐसे आएगी, प्योरली रेसिस्टिव है, आई इज इक्वल टू, मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो ये हो जाएगा 4 sin, मुझे नहीं पता इसका यूज होना है नहीं, बट मैं एक बार लिख रहा हूँ, ठीक है। दैट इज योर इक्वेशन ऑफ करंट, द टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू टू द पीक, ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि करंट को अपने हाफ से पीक तक जाने में कितना टाइम लगता है। तो बेटा ये जो इक्वेशन है वो एस एच टाइम टाइप की है, तो पहले अपन को पता है कि 0 to a/2 जाने में जो टाइम लगता है वो लगता है t/12, और यहाँ से a/2 to a मतलब हाफ से पिक तक जाने में टाइम लगता है दैट इज t/6। तो बेसिकली आपको t/6 पूछा है और वो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। आपको क्या गिवन है, ओमेगा दैट इज
टू पाई डिवाइड बाय टी इज गिवन, वो आपको गिवन है, कितना है आपको दिख रहा है, दैट इज 100 पाई। ओके, तो यहाँ से अपन पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, टी का वैल्यू आ गया, वो आ गया 2 डिवाइड बाय 100। अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए टी बाई सिक्स, तो ये आ गया 1 डिवाइड बाय 300। अब आप यदि इसको सॉल्व करते हो तो सीधा सीधा आ रहा है, दैट इज 3.3। तो दैट इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। ए सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, एक एसी सोर्स है उसे कनेक्ट किया, ईएमएफ इज गिवन विथ टी इन द सेकेंड, गिव्स ए फेज डिफरेंस पाई बाई फोर, फेज डिफरेंस है वो पाई बाई फोर का है, किसके बीच में, ई एंड आई के बीच में, तो इसमें से कौन सा सर्किट पॉसिबल है। बेटा बहुत सिंपल सा हो गया, क्योंकि जो भी सर्किट दे रखे हैं, जैसे यहाँ आर एल दे रखा है, आर एल, आर सी और आर सी, जो भी हो आपके पास टेन थीटा आ रहा है, 1045, दैट इज इक्वल टू, यहाँ तो आएगा एक्स एल डिवाइड बाई एक्स आर, दैट इज सॉल्व करने पर एक्स एल इज इक्वल टू आर किसका आता है, और एक्स सी जो है, एक्स इंटू सी है, वो आर के बराबर किसका आता है। तो आपको जो वैल्यू है इसका, मतलब आपको क्या है, एल दे रखा है और ओमेगा गिवन है 100, तो ओमेगा एल इज इक्वल टू आर, आर डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है, जैसे आर सब में दे रखा है 1 किलो 1 किलो, तो 10^3। तो देखो ओमेगा को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 100, तो ओमेगा एल, ओमेगा मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ओमेगा कितना है 100, 100 एल इज इक्वल टू 10^3, तो एल का वैल्यू आ रहा है आई थिंक 10, देखो कोई आ रहा है क्या, तो एल ये 10 मिली आ रहा है, तो ये भी नहीं है, तो दो हुआ नहीं। अब आपको तीसरा कैपेसिटर वाला देख लेना, तो कैपेसिटर वाले के लिए क्या कर लेते हैं, ये यूज कर लेते हैं, दैट इज आपको ये देखना है कुल मिलाकर कि 10^3 का वैल्यू, क्योंकि आपको वो दे रखा है ओमेगा सी, ओमेगा है 100 इंटू सी, सी से माइक्रोम दे रखा है, तो आप देख लो कि कौन सा आंसर आ रहा है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास साफ साफ दिख रहा है कि जो सी है, इसको सॉल्व कर लेना, तो अपना ये थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ठीक है, दैट इज योर 15, तो दैट इज योर ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द टोटल नंबर ऑफ टर्न एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इन द सोलेनोइड इज फिक्स, हाउएवर इट्स लेंथ एल इज वेरिड बाय द एडजस्टिंग द सेपरेशन बिटवीन। तो ये तो बेटा अपन को याद है, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है, दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। तो इन्होंने बोल दिया है कि नंबर ऑफ जो लेंथ उसको कॉन्स्टेंट रखना है, तो एल नॉट सेल्फ इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, ये आपको फॉर्मूला पता है, उसके बेसिस पर आपने कर लिया, तो योर क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल्सो ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन क्या है, ए वेरी लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग ए करंट, दैट इज ये आपको करंट गिवन है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, काउंटर क्लॉक वाइज करंट इज टेकन टू पॉजिटिव, एक सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 2R इज प्लेस्ड इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सोलेनोइड एंड कॉन्सेंट्रिक विद द सोलेनोइड। मतलब बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एक आपके पास इस टाइप से सोलेनोइड है, और उसके इनसाइड में कॉन्सेंट्रिक एक ऐसे क्या रखा है, सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल, मतलब जिसके अंदर करंट का फ्लो हो सकता है, जिसके अंदर इंड्यूस करंट आ सकता है, उसको रखा गया है। तो आपको ये बताना है कि उसके अंदर ये जो अपने कंडक्टिंग कॉइल रखी है, उसके अंदर जो करंट वेरी करेगा उसका ग्राफ कौन सा राइट है इन चार गिवन में से। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं आई लिख लेता हूँ, अभी मुझे जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट पेज के लिए, यहाँ से आई इक्वल टू के टी ई माइनस अल्फा टी, ये आपको करंट गिवन है, और आपको ये फाइंड करना है कि करंट उसके अंदर किस टाइप से रहेगा। ओके, तो चलो अपन करते हैं उस क्वेश्चन को। ये तो पता चल गया है कि उसके अंदर इंड्यूस करंट आएगा बिकॉज वो कंडक्टिंग है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी म्यू नॉट
एन आई। ओके, डेफिनेटली ये सब पॉजिटिव है, तो मैं बोल सकता हूँ कि बी इज समथिंग के, ये के डिफरेंट है, या मैं दूसरा कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, दैट इज सी, उसको यहाँ पुट करता हूँ, सी के टी ई माइनस अल्फा टी। ठीक है, ये आ गया बी। नाउ फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स इज बी इंटू ए, तो बेटा वापस मैं इसको ए से मल्टीप्लाई करूँगा, तो अपन एक नया टर्म आ जाएगा, समथिंग के डैश टी ई माइनस अल्फा टी, ये अपने पास आ गया फ्लक्स। ये के एक नया कॉन्स्टेंट है, बिकॉज अपन को यूज करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ग्राफ पूछा है ना, तो इसलिए आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, इतना पता है कि ये जो के है वो कुछ कॉन्स्टेंट है, दैट इज पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। नाउ इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा दैट इज माइनस डी फाइव बाई डी टी, एंड जो करंट आएगा, करंट विल बी इंड्यूस ईएमएफ डिवाइड बाई आर। तो जो मैं इसको यूज करूँगा, तो देखो इसका ये जो के डैश है आर, डिफ्रेंशिएशन आपको करना है, इसका मैं यूज करूँगा, दैट इज टी ई माइनस अल्फा टी। ठीक है, ये आपको ओवरऑल करना है, ये कोई एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो फाइनली मैं लिख लेता हूँ इसके अंदर जो करंट आएगा वो इस टाइप से, इसको कुछ भी कॉन्स्टेंट मान लो, तो मैं इसको सी लिख लेता हूँ, दैट इज कॉन्स्टेंट। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, अब देखो डिफ्रेंशिएट कैसे करूँगा, इसमें दो है, अब उनको प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, ये और ये दोनों है, तो पहले तो मैं टी को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो टी का डिफ्रेंशिएशन वन, ये आ जाएगा ई माइनस अल्फा टी। ठीक है, ये तो टी का डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब अपन को इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो मैं यहाँ पर लेकर आ गया टी, और ई का डिफ्रेंशिएशन ई माइनस अल्फा टी, और इसके प्रोडक्ट में ये माइनस अल्फा आ जाएगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर, ये माइनस अल्फा इधर आ गया। ठीक है, ये आपके पास करंट जो इंड्यूस करंट है उसकी इक्वेशन आ गई, तो इंड्यूस करंट की इक्वेशन मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि अपन को फिर ऑप्शन मैच करना है, तो आई इक्वल टू किसी भी टाइम पर दैट इज समथिंग सी ई माइनस अल्फा टी, एंड यहाँ क्या रहेगा वन माइनस अल्फा टी। ठीक है, इस टाइप से है जो अपना वो आपने इसको डिफरेंशिएट किया, एक सॉरी ये माइनस था, माइनस में लगाना भूल गया, ये माइनस यहाँ पर, तो ये माइनस, तो कुल मिलाकर ये अपने पास जो इक्वेशन आ गई करंट की, वैसे आ गई आई इज इक्वल टू माइनस सी, ये माइनस कौन सा था, ये जो माइनस डी फाइव डी टी था ना, तो मैंने वहाँ माइनस नहीं लिया था, वो मिस्टेक हो गई, तो मैंने माइनस यहाँ लिख दिया, माइनस मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये अपने पास आ गया कि इस टाइप की इक्वेशन है। अब आपको जो ग्राफ दे रखा है इतना तो पता चल गया कि एक्सपोनेंशियल और लीनियर का दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब अपन को चेक करना है, चेक करने के लिए आप बहुत इजी तरीका है, सब्स्टिट्यूट टी इक्वल टू जीरो, जब मैं टी इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो आई का वैल्यू आ रहा है माइनस सी, ये हो जाएगा वन 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 माइनस जीरो, तो ये आ गया बेटा आई का वैल्यू माइनस सी, तो आपको ये देखना है, और सी क्या है पॉजिटिव, तो इनिशियली में करंट जो है वो नेगेटिव से स्टार्ट होना चाहिए। अब आप देख लो कि कौन सा ग्राफ है जो टी इक्वल टू जीरो पर नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, मैं ये सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ। ओके, अब अपन ग्राफ देख लेते हैं एक बार वापस, ग्राफ क्या है, इनिशियल में करंट नेगेटिव होना चाहिए, आई जो वैल्यू आया अपना आया है समथिंग माइनस ऑफ सी, अब आप देख लो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये रॉन्ग हो गया, ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है, ये कुछ माइनस सी हो गया, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है बट ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो अपना जो ग्राफ है वो सेकंड हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा टेक्निकल जानना था, आप ग्राफ तो मैच नहीं कर सकते बिकॉज इसमें दोनों कंबाइंड हो रहा है, एक्सपोनेंशियल भी और टी भी है, बट जब आप यदि टी इक्वल टू जीरो पर चेक कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्राफ राइट है। ठीक है, तो अपना ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ, हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट, एक ट्रांसफार्मर है कंसिस्ट ऑफ 300 टर्न्स इन द प्राइमरी, तो बेसिकली एन पी जो है दैट इज 300, एंड सो सेकेंडरी है एन एस है दैट इज 150, गिव
आउटपुट पावर, ये आउटपुट पावर गिवन है, दैट इज योर पी आउटपुट, दैट इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट। ठीक है, इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, इसका मतलब आपको आई एस भी गिवन है, आई एस कितना है, दैट इज योर 10 एम्पियर, देन द इनपुट वोल्टेज एंड करंट, आपको बेसिकली पूछना चाह रहे हैं व्हाट विल बी आईपी एंड वीपी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, वही अपना बेसिक फॉर्मूला है वो यूज करना है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। देखो अपने पास ये एक फॉर्मूला होता है आईपी एनपी इज इक्वल टू आईएस वीएस। ठीक है, तो अपन इसको यूज करते हैं, आईपी वो अपन को फाइंड करना है प्राइमरी के अंदर, आईएस सेकेंडरी के अंदर कितना है, आईएस आपको कितना गिवन है 10, सो 10 सॉरी एस एन एस, सेकेंडरी के अंदर टर्न कितना है 150 एंड इनिशियली कितना है ये 300। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 एम्पियर। तो ये करंट का जो आ गया प्राइमरी के अंदर दैट इज योर 5 एम्पियर। ओके, अब ये आ गया है, अब अपन को क्या फाइंड करना है वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए अपन को पता है यहाँ पर एफिशिएंसी के बारे में कोई है नहीं, तो अपन ये मान के चलेंगे कि 100% इसकी एफिशिएंसी है। तो जो पावर का है उसका अपन यूज कर लेते हैं 2.2। वैसे आप एक बात नोटिस करो ना, तो 5 एम्पियर सिर्फ एक के अंदर ही आ रहा है वो है ये, तो आपको नेक्स्ट सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, तो ऑप्शन तो वैसे भी राइट हो गया, बट फिर भी मैं बता देता हूँ 2.2 10 टू पावर 3 इज इक्वल टू आई इंटू वी। तो आई का वैल्यू 5 पुट कर दो, ये कितना आपके पास आया 5 एम्पियर, तो ये 2.2 इंटू डिवाइड बाई 5 दैट इज योर वोल्टेज, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 440। ठीक है, बट इसको करने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी अपना करंट जो है वो एक में ही आ रहा है 5 एम्पियर, तो उससे ये राइट हो गया। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस एल गिवन है, एल इज इक्वल टू 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 हेनरी, एंड रेसिस्टेंस 0.1 इज कनेक्टेड थ्रू द स्विच टू द बैटरी ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। अब आपको एक तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस गिवन है और एक ये गिवन है, तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। ये एक बैटरी है, इसका ये रेसिस्टेंस है वो कितना है 0.9, और यहाँ से एक इंडक्टर है, इसके पैरेलल में एक रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस कितना गिवन है 0.1। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये ऐसा हो गया, एक इंडक्टर है और एक ये रेसिस्टेंस है, बाकी ये हो गया, तो ये आ गया 1 ओम, क्योंकि 0.1 एंड 0.9 ऐड हो गया और ये आपको दे रखा है एल का वैल्यू, तो ये ओवरऑल सर्किट हो गया। ठीक है, आफ्टर द स्विच इज क्लोज द टाइम टेकन फॉर द करंट टू अटेन 80% ऑफ द सेचुरेशन वैल्यू, 80% ऑफ सेचुरेशन वैल्यू, तो अपन को इसका यूज करना है। तो बेसिकली पहले मैं आपको टो फाइंड करके बता देता हूँ, टो है एल डिवाइड बाई आर, तो आर तो वैसे भी कितना है, आर इज ओनली 1, तो टो का वैल्यू एल के बराबर आ गया, दैट इज 10 टू पावर माइनस 2। ठीक है, इसका अपन को यूज करना है। सेचुरेशन करंट कितना है वो भी मैं बता देता हूँ, सेचुरेशन करंट दैट इज ई बाई आर, तो इसका अपन यूज करेंगे। ओके, अब अपन फॉर्मूला यूज करते हैं चार्जिंग का। अब आपको बताया चार्जिंग का फॉर्मूला क्या होता है, चार्जिंग का फॉर्मूला होता है ई बाई आर 1 माइनस ई माइनस टी डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब आपको पूछा है कि 80% होने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, बेसिकली 80% का मतलब 0.8 ऑफ ई आर कितना टाइम हो जाएगा, दैट इज ई बाई आर 1 माइनस ई माइनस टी बाई 2। ठीक है, फर्दर अपन इसको सॉल्व करते हैं, देखो ई आर से ई आर कट जाएगा, ये आएगा 0.1। अब अपन थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, देखो ई आर आ रहा है 0.8, इस साइड है 1, ये है ई,
माइनस टी बाई टू, इसको इस साइड लेकर जाते हैं, उसको उस साइड लेकर जाते हैं, ई माइनस टी बाई टू इक्वल टू पॉइंट टू, ठीक है, ये आ गया पॉइंट टू, जीरो पॉइंट टू, ठीक है। फर्दर अपन थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, दोनों साइड एलन ले लेते हैं, बिकॉज आपको एलन का वैल्यू वो गिवन है, तो अपन यूज कर लेते हैं, एलन यूज करेंगे तो माइनस टी बाई टू इक्वल टू एलन 0.2, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना इजी है, बिकॉज मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ माइनस टी बाई टू इक्वल टू एलन 1/5, ठीक है। तो अब तो आपको कुछ पर कुछ रहा ही नहीं, अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेना, तो टो का वैल्यू आपको पता ही है, एलन 5 का वैल्यू गिवन है, एलन 5 आप लिख सकते हो ना, या आप क्या लिखोगे, इट इज इक्वल टू माइनस एलन 5, तो ये माइनस से माइनस चला जाएगा, आप इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो अपने पास ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप एक रहा है, वो आप कर लेना, ओके। तो ये वाला अपना हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, द फिगर शोज ए स्क्वायर लूप एल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर विच इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क ऑफ रेसिस्टेंस। आपको एक लूप दे रखा है जिसका साइड इच ऑफ 5 सेंटीमीटर है, एक उस साइड वो नेटवर्क है रेसिस्टेंस का, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 1 टेस्ला, एंड रेसिस्टेंस ऑफ एल जो आपको लूप है उसका रेसिस्टेंस गिवन है 1.7, करंट इन द लूप क्या होगा वो आपको पूछा है। तो देखो बेटा, पहली बात तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का कंबाइंड क्वेश्चन है। यदि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है और ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू चेक कि ईएमएफ कहाँ पर इंड्यूज होगा। आप यदि देखते हो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूज होगा नहीं, बिकॉज एल और वी सेम डायरेक्शन में, इसमें होगा नहीं, और ये तो आउटर पार्ट में, इसमें डेफिनेटली होना नहीं है। इसका मतलब जो ईएमएफ इंड्यूज होगा वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले के अंदर होगा। ईएमएफ इंड्यूज कितना होगा बच्चा, दैट इज बी वी एल, दैट इज इंड्यूज ईएमएफ, ठीक है। अब बी वी एल का अपन यदि वैल्यू फाइंड करते हैं, तो बी का वैल्यू है 1, वी है 10^-2, एल है 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10^-2, तो अपने पास आ गया ये 5 × 10^-4, ये आपके पास आ गया इंड्यूस ईएमएफ जो अपन को यूज करेंगे। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, सिंस करंट पूछा है तो करंट के लिए आपको रेसिस्टेंस का टोटल वैल्यू चाहिए होता है, इसका आपको रेसिस्टेंस गिवन है। अब थोड़ा इसको देख लेते हैं, यहां पर 5 रेसिस्टेंस है, और जब भी 5 रेसिस्टेंस आपको दिखते हैं तो एक बार विट्स स्टोन ब्रिज के बारे में सोचना है। अब देखो विट्स स्टोन ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब आमने सामने का प्रोडक्ट इक्वल हो जाए, तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है, सो इट इज बैलेंस विट्स स्टोन ब्रिज। और यदि बैलेंस है तो अपन को क्या करना है, ये बीच वाला रेसिस्टेंस कोई काम का नहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 ओम है ये, और इस साइड जो 2 ओम है ये, एक दूसरे के पैरेलल में आ गए। ये पैरेलल में आए तो आर इक्विवेलेंट अपन फॉर्मूला यदि लगाते हैं, आर इक्विवेलेंट क्या रहेगा, 4 × 2 / 4 + 2, दैट इज 6। तो अपन जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4/3, दैट इज 1.3। तो उस साइड जो नेटवर्क है उसका आ गया 1.3, और यहाँ पर आपको दे रखा है कितना 1.7, तो ओवरऑल जो ये अपना सर्किट बन जाएगा 1.7 इस साइड दे रखा है, तो अपने पास सर्किट ऐसे बन गया, और वो जो इफेक्टिव था उसका कितना है 1.3, और ये अपना ईएमएफ है, ईएमएफ, ठीक है। अब आपको करंट फाइंड करना है, तो ईएमएफ दैट इज 5 × 10^-4, और ये आपके पास आ गया 3। आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो माइक्रोम दे रखे हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको लिख लेते हैं 500
डिवाइड बाय 3 इंटू 10^-6। तो ये ऑलमोस्ट जो आएगा वो आएगा 170 माइक्रो एम्पियर। ये आपको पता है ना 17 का तो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द एल आर सर्किट शोन इन द फिगर। ये आपको एल आर सर्किट गिवन है। इफ द स्विच एस इज क्लोज एट टी इक्वल टू जीरो, देन द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासिस थ्रू द बैटरी बिटवीन टी जीरो टू टी एल बाई आर, इसको अपन टो पी बोलते हैं। सो टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू टो तक आपको फाइंड करना कि कितना चार्ज का फ्लो होगा। तो बेटा अपन को पता है किसी भी टाइम पर सर्किट के अंदर जो आई करंट होता है वो होता है ई डिवाइड बाई आर वन माइनस ई माइनस टी डिवाइड बाई टू, ठीक है। ये अपने पास करंट की इक्वेशन होती है। अपन को चार्ज के बारे में पता है कि चार्ज जो होता है, मैं इस करंट को लिख सकता हूँ आई, क्या होता है आई इज डी क्यू बाई डी टी। सो डी क्यू वॉट विल बी, दैट इज आई इंटू डी टी, ठीक है। नाउ लिजन, व्हाट इज आई, दैट इज ई डिवाइड बाई आर वन माइनस ई माइनस टी डिवाइड बाई टू इंटू डी टी, ठीक है। अब अपन को टोटल चार्ज फाइंड करना है, तो टोटल के लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट देखो क्या है, ई डिवाइड बाई आर, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ इसलिए दोनों सेक्शन को अलग अलग कर रहा हूँ एक बार। इंटीग्रेशन डी टी का अलग से होगा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से टो तक, ठीक है। टो को एल, एल बाई आर लिखेंगे, माइनस ऑफ ए की पावर माइनस टी डिवाइड बाई टो इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन अलग से जीरो से टो तक, ठीक है। अब आपके पास बहुत इजी है ये, ई डिवाइड बाई आर, ये तो आ जाएगा, मैं एक बार सीधा सीधा लिख लेता हूँ, ये तो आ जाएगा टू, दैट इज एल बाई आर माइनस इसका इंटीग्रेशन, आपको पता है कि इसका जो इंटीग्रेशन वो होगा ही रहता है ई की पावर का, तो ई माइनस टी डिवाइड बाई टू, और उसकी पावर होते हुए नीचे आ जाता है, तो टू इसके प्लस में आकर ये टू इधर आ जाएगा। एंड ये जो टू है इसके यहाँ पर है लिमिट, ई टो, ये जो टो है ये वन बाई टू इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये प्लस होकर यहाँ जो है वो टो इसके मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये अपने यहाँ पर लिख दिया इसकी जो लिमिट टो इक्वल टू जीरो। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो फर्स्ट आंसर है दैट इज ई डिवाइड बाई एल 2.7 आर स्क्वायर आ जाएगा, 2.7 आर स्क्वायर। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, आपको सिर्फ इसके अंदर कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, ए लॉन्ग सोलेनोइड ऑफ रेडियस आर ए कैरिज करंट, करंट आपको टाइम डिपेंडेंट दिया है, तो आई है, मैं एक बार लिख लेता हूँ आई इक्वल टू आई नॉट टी माइनस टी स्क्वायर, दैट इज करंट। ए रिंग ऑफ रेडियस 2 आर इज प्लेस कोएक्सियली नियर द मिडल, एक सोलेनोइड के, देखो ये सोलेनोइड है, ठीक है, उसके अंदर एक करंट है, तो मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, ये सोलेनोइड है, उस सोलेनोइड के अंदर एक रेडियस 2 आर का रिंग प्लेस कर देते हैं, ठीक है, वो अपन देख लेंगे। ड्यूरिंग द इंटरवल 0 to 1 second के लिए द इंड्यूस करंट ई आर एंड द इंड्यूस ई एम एफ वी आर इन द रिंग विल बी, तो आपको बोला गया है कि इसके अंदर जो रिंग रखी हुई है, देर इज वन रिंग, तो उसके अंदर इंड्यूस करंट और इंड्यूस ई एम एफ क्या होगा। अब देखो उसके लिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो फ्लक्स होता है वो होता है बी इंटू ए, बी सोलेनोइड है तो क्या हो जाएगा सोलेनोइड के अंदर म्यू एन आई, आई गिवन है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ आई नॉट
टी माइनस टी स्क्वायर इंटू रेडियस टू है तो पाई फोर आर स्क्वायर, दैट इज योर फ्लक्स. ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो दैट इज माइनस डी फाइव बाई डी टी. माइनस को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मैं माइनस लिख लेता हूँ, दैट इज म्यू नॉट एन आई नॉट, यहाँ आ जाएगा वन, यहाँ माइनस टू टी फोर पाई आर का स्क्वायर. ठीक है, अब देखो बेटा फ्लक्स ऑप्शन एक बार चले जाते हैं वापस. ऑप्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ ई आर रिमेन अनचेंज, एक बार ये दे रहा है, एंड वी आर इज मैक्सिमम एट टी इक्वल टू गिवन, एट टी इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ ई आर रिवर्स एंड वी आर इज जीरो. तो फर्स्ट अपन देख लेते हैं कि वी आर कहाँ पर जीरो हो रहा है. तो वी आर जीरो कब होगा, वी आर जीरो इसका मतलब ये वाला टर्म जीरो, वन माइनस टू टी, ये पूरा कॉन्स्टेंट के इक्वल टू जीरो, तो ये जो टी है वो आ गया वन बाई टू. तो एक्चुअली करंट जो है, ये जो वोल्टेज है वो वन बाई टू पर जो है वो जीरो हो रहा है. और आपको खुद को पता चल रहा होगा कि ईएमएफ का पहले जो वैल्यू है, ईएमएफ जो है या जो वोल्टेज है, ये वैल्यू कब तक पॉजिटिव है, वन माइनस टू टी इज ग्रेटर देन जीरो, क्या हो गया ग्रेटर देन टू टी, वन डिवाइड बाई टू. इसका मतलब जब टी का वैल्यू वन से वन बाई टू से कम है देन है वो पॉजिटिव, और टी का वैल्यू जब वन बाई टू से ज़्यादा हो जाएगा देन इट इज़ अगेन नेगेटिव. इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो रही है, उसकी चेंज हो रही है. जब वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो करंट की डायरेक्शन चेंज होनी होनी है. तो इस बेसिस पर अपन यदि ऑप्शन देखें तो अब ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है इन ऑप्शन में से पहली बात तो टी इक्वल टू, तो ये वाला ही मैच कर रहा है, एंड डायरेक्शन ऑफ ए आर विल रिवर्स एंड वी आर इज जीरो, तो एग्जैक्टली एकदम राइट हो गया. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था इंड्यूस करंट का, और बाकी जो टर्म है उसमें कोई यूज नहीं था, इनफैक्ट इसका भी कोई यूज नहीं था, टू आर वाले का भी कोई यूज नहीं था, बट इन्होंने क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन उसकी यूज कर ली. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, ए कंसिडर ए सर्कुलर कॉयल ऑफ वायर कैरिंग ए कॉन्स्टेंट करंट आई. एक कोई सर्कुलर कॉयल है तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये फॉर्मिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल, डेफिनेटली मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा, जैसे ये सपोज जैसे मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा. द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द इनफाइनाइट प्लेन दैट कंटेन द सर्कुलर कॉयल एंड द एक्सक्लूडिंग द सर्कुलर कॉयल एरिया इज गिवन बाय फाइव वन. ये बोला है कि एक कोई ऐसा प्लेन है, इनफाइनाइट प्लेन है, ऐसे एक इनफाइनाइट प्लेन है, बट आपको कौन कौन सा कंसिडर करना, ओनली इसको इंक्लूड नहीं करना, ओनली इस वाले सेक्शन को, ये वाला है इज गिवन बाय फाइव वन. इसका जो फ्लक्स है दैट इज गिवन बाय फाइव वन, मतलब जो रिंग वाला जो है उसको छोड़कर रिमेनिंग है दैट इज फाइव वन. नाउ नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज गिवन बाय फाइव नॉट, एंड ये जो सेक्शन है इसका अब वो गिवन है फाइव नॉट. तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे ले आपको फ्लक्स को समझने के लिए. अब आप देखो ये एक डाइपोल बना रहा है, तो डाइपोल बनाएगा तो ये जो एरिया है ये प्लस ये, इसमें से मैं यदि सिंपल से ऐसा डायग्राम बनाऊं इसको समझने के लिए, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जितना फ्लक्स बाहर निकलेगा उतना फ्लक्स अंदर से आएगा. इसका मतलब क्या है कि नेट फ्लक्स जो है वो क्या रहेगा, जीरो. सो नेट फ्लक्स यदि जीरो है, बिकॉज कोई भी यदि आपको प्लेन दे रखा है टोटल एरिया काउंट करना है तो नेट फ्लक्स जीरो रहेगा, तो आई कैन से दैट फाइ नॉट प्लस फाइव वन इक्वल टू जीरो. अब इस ऑप्शन से देखें तो अपना जो ऑप्शन नंबर सेकेंड वो कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से रीड करना, बिकॉज यहाँ पर क्या है आपको ये गिवन है कि ये इसके अंदर जो लिखा है ना सर्कुलर कॉयल एंड द एक्सक्लूडिंग, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग नहीं है एक्सक्लूडिंग है. ओके, तो ये अपना क्वेश्चन 23 इज ओवर. नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24. LCR सर्किट बिहेव लाइक ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर. तो फर्स्ट थिंग आपको डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की मैं इक्वेशन लिखकर बता देता हूँ. वो इक्वेशन क्या होती है आपको शायद पता होगा, एम ए इज इक्वल टू माइनस बी वी प्लस के एक्स, यहाँ यूजली अपन माइनस भी ले लेते हैं, तो ये तो इक्वेशन अपनी होगी
कौन सा वाले की? डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की। कंपेयर इट विद द फिजिकल स्प्रिंग मास सिस्टम, तो फिजिकल स्प्रिंग मास सिस्टम मैंने लिख दिया है। LCR की इक्वेशन यदि आपको आती है तो मैं एक बार लिख लेता हूँ। ये अपने पास इंडक्टर है, ये C है और ये R है। यहाँ पर आपके पास क्योंकि ये सिर्फ ये दे रखा है तो इसकी मैं एक बार इक्वेशन लिख लेता हूँ। लेट इसके अंदर करंट जा रहा है I, ये है इसका L, ये है इसका C और ये है R। तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, माइनस एल एक्चुअली क्या अपन EMF की इक्वेशन लिख लिया। तो EMF क्या होता है? LdIdt, यदि आपको याद हो तो मैंने लिख दिया इसका EMF माइनस LdIdt माइनस Q/C माइनस IR। अपन यदि इसको अपन इक्वेशन लिखें, मैं आपको नेक्स्ट में लेकर जा रहा हूँ सो दैट आपको समझ में आए। इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन है, इसको मैं बेटर वे से लिख सकता हूँ, एम डबल डेरिवेटिव ऑफ डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी डी एक्स बाई डी टी माइनस के एक्स। ठीक है, यहाँ से अपन कंपैरिजन कर पाएंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पर डी आई बाई डी टी है, ये आई आ रहा है और अपन को पता है कि मैं डी क्यू बाई डी टी करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? करंट। तो इस इक्वेशन को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ और इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूँ तो एल डी स्क्वायर आई बाई डी टी स्क्वायर, उनको साइड रखता हूँ, क्यू बाई सी तो वन बाई सी डी क्यू बाई डी टी। अभी रुकना, मैं आपको लास्ट में करके बताऊँगा कंपेरिजन डी क्यू बाई डी टी। एंड ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो है आर डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये यहाँ पर माइनस कर दिया क्योंकि मैंने उस साइड लेकर गया था। अब मैं इसके टर्म में कंपैरिजन करने ला चाह रहा हूँ, डी क्यू बाई डी टी कितना है? आई, ये कितना है? आई। तो अपन कंपैरिजन कर लेते हैं, एल डी स्क्वायर आई डी टी स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी है तो मैं इसको यहाँ पर ला रहा हूँ, माइनस आर डी आई बाई डी टी माइनस इस साइड को ये लेकर जाता हूँ, वन बाई सी डी क्यू बाई डी टी इज आई। अब अपने इक्वेशन नंबर होगी सेकेंड ये। अब आप कंपैरिजन कर सकते हो इन दो इक्वेशन को। तो अब मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, निचे वाली इक्वेशन को देखो, अब आप कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो इसका डबल डेरिवेटिव है तो फर्स्ट थिंग एम इज कंपेरेबल टू एल। यहाँ पर यदि देखें तो जो बी है दैट इज कंपेरेबल टू आर, और के जो है दैट इज अपन वन अपॉन सी। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता ही है कि ये डैम्पिंग कांस्टेंट होता है जो कि उसके ऑसिलेशन को रोकता है। तो सिमिलरली इसके अंदर जो करंट के ऑसिलेशन को जो है वो ये कौन रोकता है? रेसिस्टेंस। तो अपना कंपैरिजन हो गया। तो अब अपन देख लेते हैं कि अपन को जो ऑप्शन गिवन है उसमें से कौन सा इसमें से मैच करता है। तो अब आपने यदि अपन यहाँ पर देखते हैं तो एल एम के बराबर है, आर बी के बराबर है, ओके ये रहा सेकंड ऑप्शन। तो अपना ये सेकंड ऑप्शन मैचिंग हो गया इसके साथ। ठीक है, तो 24th का आंसर हो गया सेकंड। ओके, तो नेक्स्ट 25। ए प्लेनर लूप ऑफ वायर रोटेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो, द प्लेन ऑफ द लूप इज, जैसे ये एक लूप है, ये इसका प्लेन है, लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है ऐसे एंड प्लेन है वो ऐसे, इसका मतलब जो एरिया है वो इस टाइप से है। ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर है ऐसे, इसका मतलब टोटल फ्लक्स है वो उसी में से पास हो रहा है। इफ इट इज रोटेट विथ स्पीड 10 सेकेंड अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन देन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ई एम एफ एंड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ई एम एफ विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट आपको जो टाइम पीरियड है वो गिवन है 10 सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि 10
10 सेकेंड के अंदर ये राउंड कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। सो टाइम पीरियड जो है वो है 10 सेकेंड। अपन को इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, टी बाई फोर के अंदर ये 1/4 कंप्लीट कर लेगा, मतलब ये भी ऐसे है टी बाई फोर के अंदर इसके परपेंडिकुलर रह जाएगा, तो टी बाई फोर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 10/4, और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है। अब अपन इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इनिशियली जो फ्लक्स है वो कितना है, बी ए कॉस फाई या कॉस थीटा, थीटा क्या होता है इसके बीच में एंगल। अब ये रोटेट हो रहा है तो मैं रोटेशन के टर्म में लिख लेता हूँ। इनिशियली में फ्लक्स इसका मैक्सिमम है, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी माइनस का, इसको अपन जब करेंगे तो आ जाएगा माइनस बी ए ओमेगा साइन फाई, ठीक है। मैं अब उस पर जा नहीं रहा हूँ। अब देखो सीधी सी बात है, ईएमएफ मैक्सिमम तब होगा, ईएमएफ का वैल्यू मैक्सिमम तब होगा व्हेन ईएमएफ इज मिनिमम। तो अपन देख लेते हैं कि जो ईएमएफ है वो किस किस टाइम पर जो है वो मिनिमम हो रहा है। तो आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम पूछा है, जब ये मिनिमम होगा तो मिनिमम ये कितनी देर बाद होगा। अब देखो अभी तो फ्लक्स उसमें से मैक्सिमम है, टी बाई फोर के अंदर, टी बाई फोर के बाद क्या होगा, टी बाई फोर में टी बाई फोर का सिचुएशन ये हो जाएगा कि बी तो हो जाएगा ऐसे और एरिया वेक्टर आ जाएगा ऐसे। तो टी बाई फोर पर एट टी बाई फोर जो फ्लक्स है दैट विल बी मिनिमम, इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ विल बी मैक्सिमम। एंड आफ्टर टी बाई टू पर वापस ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये बी ऐसे आ जाएगा और ये एरिया वापस ऐसे आ जाएगा, तो अगेन फ्लक्स उसी में से पास होगा, तो इसमें जो फ्लक्स है दैट विल बी मैक्सिमम, तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो टी बाई टू पर तो हो जाएगा मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ, वो टी बाई फोर पर जो है वो तो हो जाएगा मैक्सिमम और टी बाई टू पर हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। तो अपन इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसके एक्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2.5 और 5 किस में आ रहा है, ओके ये रहा फोर्थ ऑप्शन इज राइट। समझ में आ गया था भाई, सीधी सी बात ये है कि ये है इनिशियल कंडीशन, यहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम है, ठीक है। टी बाई फोर पर क्योंकि इजी है, वन मैंने इसके फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो टी बाई फोर पर जो फ्लक्स है वो मिनिमम रहेगा, तो इंड्यूस ईएमएफ विल बी मैक्सिमम, ओके। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, एन ईएमएफ ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड एट टाइम टी इक्वल 0 टू ए सर्किट कंटेनिंग ए सीरीज, एक इंडक्टर गिवन है आपको दैट इज 10 मिलीहेनरी एंड रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस गिवन है वो है 5 ओम। द रेशियो ऑफ द करंट एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी एंड टी इक्वल टू 40 सेकेंड इज क्लोज टू, पहली बात तो अप्रोक्सीमेशन है, ई स्क्वायर का वैल्यू आपको गिवन है, यदि जरूरत पड़े तो। अब देखो बच्चों पहली बात तो यही है कि ये जो क्वेश्चन है ना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, एक तो उन्होंने क्लोजली पूछ लिया, नियरली पूछ लिया है, एंड ऑप्शन भी उन्होंने नज़दीक नज़दीक दे दिए, तो आपको एक्यूरेटली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मोर ओवर उन्होंने जो टाइम दिया 40 सेकेंड वो भी इतना ईजी नहीं दिया है, तो आपको क्या पूछा है, रेशियो ऑफ द करंट एट इन्फिनिटी, वो तो अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं, वो क्या होता है ए बाई आर ई एम एफ जो भी है वो, और टी इक्वल टू आपको क्या बोला है, टी इक्वल टू जो करंट है, आपको जो करंट का वैल्यू पूछा है वो पूछा है टी इक्वल टू 40 सेकेंड पर, ठीक है, ओके। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, नया पेज ले लेते हैं, वन बाई वन इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अपन टो निकालते हैं, टो इज एल बाई आर, एल 10 टेन टू पावर माइनस 3, आर इज 5, तो वेरी गुड, ये बहुत टफ इक्वेशन आ गई, 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। अब मैं करंट की इक्वेशन लिख लेता हूँ, किसी टाइम पर ए बाई आर 1 माइनस
ए की पावर माइनस टी डिवाइड बाय टू, तो ये कितना आया है टू, और ये टेन टू पावर थ्री यहाँ आ गया। ठीक है, थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज ए बाई आर वन ई माइनस टी कितना दिया आपको, टी इज 40, तो इसको 20 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, अब इसका यूज अपन थोड़ा और आगे करते हैं, क्योंकि टी 40 पर पूछा तो मैंने वैल्यू वहां पुट कर दिया, ये कब टूटी बन गई टी इक्वल टू 40 पर, तो आई जो 40 सेकेंड पर है वो, अब आप यदि ध्यान से देखो तो ये बहुत बड़ी टर्म है, एक बार मैं लिख लेता हूं, ई डिवाइड बाई आर वन माइनस वन ई 20 इंटू 20 पावर 3। अब जो आपको मैंने पूछ रहा है रेशियो कब का पूछा है, आपको रेशियो पूछा है इन्फिनिटी टू 40, तो आपको ये अपन ये रेशियो पूछा है, तो मैं लिख लेता हूँ, आपको जो रेशियो पूछा है आई इन्फिनिटी डिवाइड बाय आई एट 40। अब देखना ई बाई आर तो गया, तो यहाँ आ जाएगा 1 ए की वैल्यू 20 ये इसके अंदर जो आ गया। अब अपन एक बार क्वेश्चन वापस देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है करंट एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड टी इक्वल टू 40 सेकेंड इज क्लोज टू ई इक्वल का वैल्यू दे रखा है। अब यदि मैं इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कैलकुलेट इक्वेशन बन रही है, तो अपन इसको कैलकुलेशन करके थोड़ा और कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, अब अपन को जो पूछा है उसको अपन कैलकुलेट करते हैं, आपको पूछा है कि जो करंट है रेशियो पूछा है कि टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 40 पर करंट का क्या रेशियो रहेगा, सो बेसिकली आई इन्फिनिटी टू आई 40 का पूछा है, तो ई बाई ई आर तो कट जाएगा और यहाँ नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2 इंटू 10 टू पावर 4। अब आप यदि कैलकुलेट करने गए तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ, ये जो टर्म है वो ऑलमोस्ट 1 है, बट थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये तो क्या है ऑलमोस्ट 0 होगा, बॉडी 1/e है ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा नीचे कम होता जाएगा, तो बेसिकली ये बहुत ये ऑलमोस्ट 1 रहेगा लेकिन 1 से थोड़ा कम रहेगा। तो यदि मैं इस पूरी चीज़ की बात करूँ तो ई इसका वैल्यू जो है वो थोड़ा सा 1 से ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा, क्योंकि ये टर्म जो है वो बहुत छोटी हो रही है, इसलिए अपन यदि वहाँ से देखें आपको जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन से देखते हैं, तो सबसे नियरेस्ट आंसर, कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपसे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, अपन कैलकुलेशन से देखते हैं, तो 1 के ऑलमोस्ट पास वाला ये वाला है, तो मैं इस वाले को चूज़ करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आराम से करना है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट था, तो वो तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पर, क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, एट टी इक्वल टू 0 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1000 गॉस इज पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द एरिया डिफाइंड बाय द क्लोज लूप शोन इन द फिगर, इफ द मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस नियरली इतना रिड्यूस हो गया इन नेक्स्ट 5 सेकेंड देन इंड्यूस ईएमएफ विल बी, तो फर्स्ट थिंग कि आपको फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा, फ्लक्स के अंदर चेंज कितना आया, तो फ्लक्स के अंदर अब क्या है, स्टार्ट के अंदर आपको B1 दे रखा है माइनस B2, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहा हूँ, B1 B2 इनटू एरिया। ठीक है, और जो EMF आएगा, EMF का क्या वैल्यू आएगा, B1 माइनस B2 एरिया अपॉन टाइम, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, तो बेसिकली ये अपने पास आएगा। अब ओवरऑल अपन को इसका एरिया फाइंड करना है, जो कि बहुत इजी काम है, तो लोग देखते हैं अपन एरिया इसका फाइंड कर लेते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे।
और फिर इसको रिमूव कर देंगे। तो मैं जो एरिया वो लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना एरिया, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है 16 × 4 माइनस, ये दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं वो इक्वल बन रहे हैं, तो मैं 2 × एक का एरिया 1/2, बेस कितना है 4, हाइट कितना है 2, 10 × −4 क्योंकि उसमें दे रखा है एरिया। अब आप इसको सॉल्व करो, ये 64 − 8 × 10 − 4 ठीक है, ये इसका 10 − 4। अब आपने एरिया फाइंड कर लिया, बी आपको B1 और B2 गिवन है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने पर एकदम इजी सा आंसर आ जाएगा इसका। ये आपके पास सब कुछ डेटा गिवन है, एक बार मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, B1 तो 1000 से 500 हो गया सीधा सीधा 1000, एरिया ये हो गया 56, 10 − 4 = 5, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास जो ए आंसर है वो आंसर आ जाएगा 56। तो ये 57 जो नंबर है क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया, इजी है, आपको ये फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये फिर एक अपना जो LR सर्किट होता है उसका क्वेश्चन है, LR सर्किट का क्वेश्चन है। ए सोन इन द फिगर ए बैटरी ऑफ EMF इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर L एंड रेसिस्टर R इन सीरीज, द स्विच इज क्लोज एट T = 0, द टोटल चार्ज दैट फ्लो फ्रॉम द बैटरी बिटवीन T0 to T इज अप्रोक्सीमेटली। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन LC सर्किट द इंडक्टर L आपको गिवन है, कैपेसिटेंस इज गिवन, वोल्टेज VT इज गिवन, इज अप्लाइड टू सर्किट, द करंट इन द सर्किट इज गिवन बाय। तो पहली बात करंट पूछा है, तो करंट के लिए आपको चाहिए, करंट की इक्वेशन होती है आपको जो भी E की गिवन है, E0 / Z इक्वेशन साइन में गिवन है, साइन 3 × 14 t + 5 कि फेज डिफरेंस कितना है। ये LC सर्किट है, ओनली रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब ये 90 डिग्री आएगा। तो I की इक्वेशन में जनरल इक्वेशन लिखना चाहूँ तो दैट इज 10 / Z, यहाँ आ जाएगा cos 3 × 14 t ठीक है। तो बेसिकली अपना इनमें से एक ऑप्शन लाना है, Z का वैल्यू क्या रहेगा, Z = XL − XC बिकॉज क्योंकि ये LC सर्किट है, यहाँ पर अपन लिख लेते हैं ω L − 1/ω C, ये बेसिकली अपन को कैलकुलेट करना है। मैं ओमेगा L कैलकुलेट पहले कर लेता हूँ, ओमेगा L, ओमेगा कितना है, ओमेगा इज 314, L इज 40 इंटू 40 10 to power 3, तो मैं ये 1000 कर लेता हूँ ठीक है। तो अब जब आपके पास आ गया ये, इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करोगे तो ये इसका बहुत इजीली सा आंसर आ जाएगा। देखो पहली बात तो ये यहाँ से कट गया ठीक है, और इनटू जो मैं 4 करता हूँ तो दैट इज आई थिंक 56/100, तो ऑलमोस्ट आंसर आ गया 12.56, ये तो आ गया ओमेगा L और 1/ω C, ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव पार्ट है, ये आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, दैट इज ओमेगा C। जब अपन ओमेगा C करेंगे तो अब देखो इसका वैल्यू कितना आता है, ओमेगा तो मैं रख देता हूँ एक बार, ओमेगा कितना है 314 C इज 100 और वो माइक्रो है, तो 100 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ पावर 4, तो 1, 3 and 4 ठीक है। ये अपने पास बेसिकली इसकी इक्वेशन आ रही 314, तो ये भी अपने पास थोड़ा कैलकुलेशन तो काफ़ी है बट अब करना पड़ेगा।
तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है अपने पास 31 point something, आप वो देख लेना आपके पास क्या ऑप्शन आता है वो, ठीक है। अब आप इनमें से कैलकुलेट करोगे तो देखो यहाँ से साफ साफ पता चल गया कि ये अपने पास वैल्यू आ रहा है 31 point something, कैलकुलेट कर लेना -12, तो ये ऑलमोस्ट जो आएगा वो 19 के पास आएगा। यू मान लो 20, तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा कॉस वाला, और इसको कैलकुलेट करने पर आंसर इसका 4th आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। ओवरऑल इसके अंदर थोड़ी कैलकुलेशन है, वैसे भी देखो ऐसे के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर कैलकुलेशन रहती है, थोड़ी टफ रहती है, बिकॉज ये जो टर्म आता है ना ओमेगा, ये आपको हमेशा दिक्कत करता है। तो ये आपको प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, बट आपको करना पड़ेगा। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30, टू कॉइल पी एंड क्यू, ये पी है एंड दैट इज योर क्यू, आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, व्हेन द करंट 3 ampere फ्लो थ्रू द कॉइल पी, यहां से करंट जाता है पी के अंदर से 3 ampere, देन मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से पास होता है। अब देखो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है m into i, तो फ्लक्स इसमें से जा रहा है 10^-3, ये आपके पास आ गया म्यूचुअल इंडक्शन, और i किसका, इसका, तो into 3, ये आ गया। नो करंट पासेस थ्रू क्यू व्हेन, अब आपको ये पूछा है कि जब p से फ्लक्स कितना जाएगा व्हेन q से 2 ampere जाता है, तो वो का भी उल्टा हो जाएगा, फ्लक्स आपको फाइंड करना है m, वो का वही है डिवाइड बाय इसका 2, ये इक्वेशन नंबर इसकी होगी 2। देखो म्यूचुअल इंडक्शन है वो तो सेम टू सेम रहना है, ये आपको फ्लक्स पूछा है, इन दोनों को आप डिवाइड करो, तो आप इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो एक सिंपल सा आ जाएगा 6.67 × 10^-4, ओके। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, तो इसको अपना क्वेश्चन नंबर 30 इज ओवर, नेक्स्ट वन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ए लूप ए बी सी डी ई एफ ए ऑफ स्ट्रेट एज हैव 6 corners, आपको पहली बात 6 corners दे रखे हैं, तो उन कॉर्नर को आपको ढंग से देखना है। देखो पहली बात ये है ओरिजिन पर, ये है एक्स एक्सिस पर, तो जो अपन को पता है वो एक बार ड्रॉ कर देते हैं, सो दैट कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। मैं एक बार छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ, 1 by 1 सारे पॉइंट, ए पॉइंट है यहाँ पर, ये ए, बी पॉइंट है यहाँ पर, दैट इज योर बी। पहले अपन किसी एक्सिस के फाइंड कर लेते हैं, ये है वाई एक्सिस पर, तो ये अपने पास हो गया डी, हाँ ये है ये वाला जो है पॉइंट एफ, वो है जेड एक्सिस पर, तो ये आपके पास हो गया इसके ऊपर एफ पर। अब अपने पास रह गए सी एंड डी, सी एंड ई, तो सी पॉइंट जो है वो आप दिख रहा होगा, ये है इस प्लेन में, मतलब यहाँ पर, तो ये हो गया सी, और एक पॉइंट है ये जो है, ये है वाई और जेड प्लेन में, ठीक है। तो अब वाई और जेड प्लेन है, तो अब आपको ये किस में है, ये वाई और जेड में, तो वाई और जेड में वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। देखो यूँ है, आप यहाँ से देखो तो ये है वाई और जेड, तो बेसिकली अपने पास ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको प्रॉपर वे से बना लेता हूँ, ये ऐसे है और ये ऐसे, तो एक बहुत इजी से बन गया, ये वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। और अब आपको इसमें से फ्लक्स पूछा है, तो बेटा फ्लक्स तो फिर बहुत इजी हो गया, क्योंकि आप यदि एरिया डिसाइड करते हो, यदि मैं सपोज ओपन एरिया को लेता हूँ, तो यदि इसका एरिया इन साइड की ओर लेता हूँ, तो इसका एरिया इस साइड आ जाएगा इस डायरेक्शन में, तो मैं एरिया वेक्टर लिख लेता हूँ। एरिया वेक्टर जो इसका आएगा, अपन को आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, आई डायरेक्शन में जो फ्लक्स जाएगा वो इसमें से जाएगा, तो एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ, वेक्टर में भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो है इस डायरेक्शन में, ये कौन सा फ्लक्स है, इसमें से फ्लक्स जो पास होगा दैट इज, देखो ये जो एरिया है इस एरिया और बी, ये मैंने कौन सा बी लिखा है, इसी के अंदर ये बी जा रहा है,
जो है 3। तो एरिया हो गया, एरिया आपको गिवन है क्योंकि 5 इसके एज दे रखी है, 25 ये तो हो गया एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 3, तो दैट इज योर 75। ये तो फ्लक्स हो गया इसमें से। अब अपन को इसमें से फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं, तो इसमें कौन सा काउंट होगा जो जेड डायरेक्शन में जा रहा है, जो जेड वाला कौन सा है इसके अंदर 4। तो इसमें से यदि मैं फ्लक्स काउंट करूँ तो कितना आएगा 25 × 4, तो ये कितना हो गया 100। ठीक है, तो 25 तो ये हो गया 100 वेबर, वो हो गया 75। तो आप दोनों को ऐड करोगे तो आ गया 175, दैट इज 175, ये इसका आंसर हो गया। तो देखो बहुत सिंपल सा ही है, पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लो, एक है ये आई डायरेक्शन में और एक है ये जेड डायरेक्शन में, और ये आपको जो एरिया दिख रहा है वो भी उसी टाइप से है, एक एरिया वेक्टर है आई डायरेक्शन में, दूसरा है जेड डायरेक्शन में। तो फ्लक्स आपको फाइंड करना है तो उसके बीच का एंगल आपको पता ही है, तो आप इसको एंगल फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या गिवन है, व्हेन ए फ्लोरोसेंट लैंप चौक, एक आपको चौक दे रखी है, मतलब एक स्मॉल ट्रांसफार्मर होता है, 100 वॉट ऑफ रिवर्स वोल्टेज इज प्रोड्यूस व्हेन द चौक करंट चेंजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम, कुल मिलाकर सिंपल सी बात यह है कि ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो आपको ईएमएफ इंड्यूस का वैल्यू गिवन है, दैट इज 100 इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, द सेल्फ इंडक्शन पूछा है एल, दैट इज डी आई बाई डी टी। देखो नाम में कुछ नहीं रखा है, सिंपल सा ये तो क्वेश्चन, 100 इंटू एल, एल आपको पूछा है तो मैं लिख लेता हूँ। नाउ करंट कितना चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली 0, तो बहुत इजी हो गया ये तो, 0.25 माइनस 0 कितने टाइम में, टाइम है 0.025। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो L का वैल्यू आ गया 10। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, तो होपफुली आपको समझ में आ गया, एकदम ईजी सा है। तो ये 32 जो है आपका कंप्लीट हुआ।